तो गाइस देखो, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और ये रॉय डिजिटल आपको यहाँ पर लाइव दिख रहा है और अर्निंग हिस्ट्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेमरश से मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए अर्न किए हैं। तो अब कहानी ये है कि अगर आप कोई ब्लॉग नहीं लिखना चाहते, अगर आप कोई वेबसाइट नहीं लॉन्च करना चाहते, आप लैंडिंग पेज नहीं बनाना चाहते और आप गूगल एड भी नहीं चलाना चाहते, आपको फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल करनी है तो गाइस पॉसिबल है। हेलो गाइस, देखो मैं आप लोगों के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हूँ। आप लोगों को पता है कि मुझे जितना भी आता है वो सब चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के बताता हूँ, मैं हर चीज को क्लैरिटी के साथ क्लियर तरीके से आप लोगों को इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो पता है एफिलिएट मार्केटिंग में एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आप विदाउट पेड एड चलाए, मतलब एक पैसा भी एड का ना चलाए, ऑर्गेनिक तरीके से बहुत इमीडिएट, मतलब हो सकता है आज कल परसों के अंदर ही सेल लाना स्टार्ट कर सकते हो। और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे ऑर्गेनिक तरीके से कोई नया ब्लॉग लिख के उसको रैंक करा के ट्रैफिक लाके कन्वर्ट भी कर दिया जाए, वो भी 1-2 दिन के अंदर, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं भी प्रूफ कर देता हूं। मतलब कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो मैं प्रूफ कर देता हूं कि मैंने ये चीज की है और मैं आपको अब बताने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अब ये हैंस प्रूवन है। जब तक मैं ही श्योर नहीं था या मेरे हाथ में कोई प्रूवन फैक्ट नहीं था कि मैं कर चुका हूं और ये हो रहा है, तब तक मैं क्या ही बोलता। तो सबसे पहले मैंने इसमें खुद ही एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब मैं आपको ये चीज देने जा रहा हूं। देखो हुआ क्या है, मैंने इस दुनिया के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि गूगल पे रैंक करना नई वेबसाइट का इट इज इम्पॉसिबल। चलो काम करते हैं, ट्रिक को बताने से पहले थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी और जनरेट करते हैं। और ध्यान रखना इस वीडियो में एक ऐसा पार्ट भी है जो कि मिस करोगे तो आपने कुछ नहीं देखा। इस वीडियो में बहुत मेन पार्ट है, उसको मिस मत करना, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, वो पार्ट मिस हो जाएगा, आई बेट ऑन इट मिस हो जाएगा और आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। अच्छा अब देखो क्या करना है, मैं आपको बता दूं। तो अब कहानी ये है कि अगर आप कोई ब्लॉग नहीं लिखना चाहते, अगर आप कोई वेबसाइट नहीं लॉन्च करना चाहते, आप लैंडिंग पेज नहीं बनाना चाहते और आप गूगल एड भी नहीं चलाना चाहते, आपको फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल करनी है तो गाइस पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है, आप एक काम करो, आप उन साइट्स में चले जाओ जो कि ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, बस उनका हिस्सा बन जाओ और उनका हिस्सा बनने के बाद आप ये सारी चीज है ना फर्स्ट डे से कर सकते हो गूगल में। अब आप कहोगे ऐसे वीडियोस हमने बहुत देख लिए हैं, नहीं देखे, चलो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। और उससे पहले अगर आप मुझे ढेर सारा प्यार दोगे लाइक के फॉर्म में और अपने कमेंट में लव जैसे कहते हैं ना भर दोगे, तो गाइस ऐसे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली और भी मिलती रहेंगी। तो जल्दी से लाइक कमेंट कर दो। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारी चीजों को प्रूफ कर देता हूं, तो आप खुद ही देख लो, राइट। तो गाइस देखो, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूं और ये रॉय डिजिटल आपको यहां पर लाइव दिख रहा है और अर्निंग हिस्ट्री है। तो यहां पर आप देख रहे हो सेमरश से मैंने यहां पर ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए अर्न किए हैं, जिसमें से 1,74,000 रुपए पे भी हो चुका है और ये पेंडिंग है, 22,000 रुपए भी आने हैं। अब आप बोलोगे इसको रिफ्रेश करके दिखाओ, तो लो भैया रिफ्रेश भी कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसमें क्या बड़ी बात है, रिफ्रेश कर दिया मैंने आप के सामने, ठीक है। तो अभी भी रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम अमाउंट है, राइट। तो इसका मतलब ये फैक्ट है, झूठ नहीं है। लेकिन हुआ कैसे, हुआ ये कि मैंने इसके ऊपर कोरा में गया और कोरा में एक आंसर लिख दिया, व्हिच इज व्हाट इज द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल। अब ये कीवर्ड रिसर्च टूल ही तो है सेमरश, है ना। तो मैंने इस पे एक बहुत बढ़िया सा आंसर लिखा और मैंने अपना यहां पर सेमरश का एफिलिएट लिंक दे दिया। और आप देखोगे यहां पर कमाल 20,000 लोगों ने इसको व्यू भी कर लिया है, जिसमें से 12 अपवोट्स हैं, 3 शेयर भी है। और अगर आप कमेंट थोड़ा बहुत देखोगे तो यहां पर आपको साफ दिख कि ये जो है कमेंट गोरो ने किया, मतलब कहीं ना कहीं ये देखो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, मतलब ये न्यूयॉर्क का ट्रैफिक था, ओके। तो खुद ये कंटेंट राइटर है गाइस कैरोलिन, देख रहे हो 2.18 मिलियन का कंटेंट व्यू है इसका, सो इट मींस इसने कमेंट किया ग्रेट पोस्ट। और कोरा मैंने क्यों चूज किया इसको करने के लिए, क्योंकि कोरा से अगर मैं दिखाऊं, मैं भी कोरा पे हूं और कोरा का जो 37.92 मिलियन ट्रैफिक है ये गाइस यूनाइटेड स्टेट्स का है। और हमें एफिलिएट मार्केटिंग मेजरली कहां पर करनी होती है, हमें यूनाइटेड स्टेट्स में ही करनी होती है, बस यहीं से मेरा स्कोप निकल आया। और कोरा कोई छोटा मोटा फर्म तो है नहीं, 788 मिलियन का मंथली विजिट है, कैन यू इमेजिन। मतलब अब कुछ दिन बाद ये 1 बिलियन वाला साइट हो जाएगा और ये बिलियन कैटेगरी में आ जाएगा लाइक YouTube और Google की तरफ। चलो उसको छोड़ते हैं, अब जल्दी से मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है गाइस, मेन मुद्दा मैंने इसको किया कैसे, क्या मैंने किसी भी क्वेश्चन पे जाके आंसर लिख दिया और ये चीज मेरे लिए हो गई, ऐसा है क्या गाइस। देखो मैंने इसको 9th ऑफ जून में लिखा है और तब से मुझे ना ये कंटीन्यूअसली सेल देता हुआ जा रहा है, लेकिन हुआ कैसे, वो तो मेन पार्ट है ना। अब उसी भाग पे आ गए हैं जिसको मैंने स्किप करने के लिए मना किया था। देखो गाइस, मैंने सेमरश से कमाने के लिए सेमरश का ही उपयोग यहां पर किया है। कैसे किया है जल्दी से देख लो। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल डोमेन ओवरव्यू में जाना है सेमरश के, और मैंने क्या किया मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूं, एग्जैक्टली विदाउट कुछ छुपाए
आप इतना मुझ पे बिलीव कर सकते हो गाइस कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाता नहीं हूं, है ना। अब देखो यहां पर कोरा पे टोटल डेस्कटॉप का व्यू जो है वो 170 मिलियन है, 170 मिलियन का ट्रैफिक इसको मिल चुका है अभी तक लास्ट मंथ में। आप यहां पर अक्टूबर 25th की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक मिल चुका है इस महीने का। अब यहां पर सिर्फ मुझे क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं यूएस देखूंगा, तो यूएस का 51 मिलियन का ट्रैफिक है, राइट। अब यही नहीं रुकना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने जो किया है, मैं इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड पे गया और ऑर्गेनिक कीवर्ड में मैंने जाकर यह पता लगा लिया कि कोरा किन किन कीवर्ड्स पे रैंक करता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ जा रहा है सेशन, तो इसलिए लाइक कर दो। और बिना कमेंट करे तो बिल्कुल मत जाना, मैं बुरा मान जाऊंगा और मेरी वीडियो बनाने का जो एंथुसियाज्म है वो बहुत कम हो जाएगा, प्लीज मेक श्योर। तो अब मैंने क्या किया गाइस, देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने कीवर्ड को और छानना शुरू किया तो मुझे पता लग गया यूएसए 31.5 मिलियन कीवर्ड जो है जो यूएस में रैंक करते हैं कोरा के। मुझे क्या करना है, कोरा में जाकर खाली आंसर करना है उन कीवर्ड्स का जो कीवर्ड गूगल पर रैंक कर रहे हैं। अगर वो कीवर्ड गूगल पर रैंक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं भी रैंक कर रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ गाइस, देखो इतने कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल पे कोरा के टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। कैन यू सी दैट 1 पे गाइस, ये सारे कीवर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं कुछ फिल्टर्स यहां पर आपको यूज करना सिखाता हूं सेमरश में, आपका भी काम बन जाएगा। सिंपल आओ पोजीशन पे जाओ और मुझे टॉप 10 वाले कीवर्ड चाहिए, बस खाली टॉप 10 वाले, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। टॉप 10 में अब कितने कीवर्ड्स रह गए आप जल्दी से देख लो, टॉप 10 में आ गए गाइस 5.5 मिलियन कीवर्ड्स, मतलब कोरा के 5.5 मिलियन कीवर्ड जो है वो टॉप 10 में रैंक करते हैं। यानी अगर इन 5.5 मिलियन पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपके ब्लॉग में ना एकदम छड़ी लग जाएगी ट्रैफिक की, मजा आ जाएगा। आप करना शुरू तो करो, आज तक शायद आपने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन आज के बाद करना शुरू कर दो। लेकिन मैंने अभी और रिसर्च किया कि इसको और रिफाइन कैसे करते हैं, तो मैंने क्या किया, इन पे जाके एक कीवर्ड सर्च किया विच इज नोन एज कीवर्ड, मैंने खुद ही कीवर्ड लिख दिया यहाँ पर। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि कीवर्ड इस कीवर्ड पे टॉप 10 पे कोरा के कौन से कीवर्ड्स और पेजेस रैंक कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। तो गाइस 352 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि कोरा पे फर्स्ट में रैंक कर रहे हैं कीवर्ड से। कैन यू सी दैट, राइट। बस मैंने यहीं से उठाया एक अपना कीवर्ड, जैसे कि लाइक दिस, हाउ टू डुप्लीकेट सेमरश कीवर्ड रैंकिंग्स फॉर मायसेल्फ, रैंकिंग इनएक्यूरेट, कोरा कीवर्ड रिसर्च, ओमेगल कीवर्ड्स, कीवर्ड्स फॉर ओमेगल। इसमें से इन 352 कीवर्ड में से मैंने अपना वो पेज चुन लिया जिसके लिए मुझे लिखना था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग मैंने ये वाले कीवर्ड पे काम करना है, कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, राइट। अब यहां पर जाओ और इसको क्लिक करो, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको जाएगा ये वो पेज है जो कि गूगल पे फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, फर्स्ट पे सेकंड पे रैंक कर रहा है, बट सेकंड पे भी रैंक कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। टॉप 3 मींस योर काम इज डन। अब यहां पर देखो व्हाट आर द बेस्ट कीवर्ड्स एंड टैग्स फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स एज अ यूट्यूबर। अब अगर आपके पास इससे रिलेटेड कॉन्टेंट है आपके ब्लॉग में, या आपके पास कोई ऐसा एफिलिएट प्रोडक्ट है जो कि इससे रिलेटेड है, तो गाइज आपकी हो गई चांदी, आप फर्स्ट डे से मान लो गूगल पे ही रैंक कर रहे हो। देख रहे हो पीपल आर राइटिंग इट, लोग यहां पर आते हैं और अपना आंसर देके जाते हैं, और यहां पर आंसर मतलब कि आप फर्स्ट डे से ही गूगल पे रैंक कर रहे हो। गाइस मेरे साथ यही हुआ है, मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ है। तो कहीं मैंने कसर तो नहीं छोड़ा आपको पूरा समझाने में, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने कोई चीज छुपाई और आपको बताई नहीं और आपको लगा यार ये तो गलत हो गया, ये तो मुझे बताया नहीं, ये तो झूठ था, जो स्टार्टिंग में बोला था वो तो निकला ही नहीं, क्या ऐसा हुआ है? गाइस मैंने बिल्कुल ना दिल खोल के आप लोगों के लिए वो सीक्रेट्स निकाल दिए हैं जो कि मैं खुद करता हूं। अब तो आज के बाद आपको और कहीं खर्चा नहीं करना, ना गूगल एड्स पे खर्च करो, ना आप वेबसाइट तक बनाओ, कुछ भी खर्चा मत करो। हाँ सेमरश का ये टूल होना चाहिए। अब सेमरश का ये टूल थोड़ा एक्सपेंसिव है, 11,000 से तो शायद इसकी स्टार्टिंग है जो कि मैं पे करता हूँ, तो अभी तो आप नहीं करोगे। तो एक काम करो, मैं इसका 14 डेज का फ्री ट्रायल का एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सिर्फ वहां जाकर ना इसका 14 डेज का फ्री ट्रायल लॉग इन कर लो। 14 डेज का फ्री ट्रायल जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो आप एक ही बार में वो सारे कीवर्ड्स निकाल लोगे जिसपे कोरा रैंक कर रहा है, और वो सारे पेजेस भी निकाल लोगे कोरा का जो कि रैंक कर रहा है। 14 डेज में इनफ है, सारे कीवर्ड्स के निकाल लो। फॉर एग्जांपल आप ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक क्लिक बैंक का वो प्रोडक्ट जो है बहुत फेमस है उसके लिए काम करना चाहते हो, या हेल्थ के ऊपर कोई कीवर्ड है उसको निकालना चाहते हो, निकाल के ना अपने पास रख लो और 14 डेज के अंदर ये सारा काम जब हो जाए उसके बाद तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना कि 14 डेज के बाद वो ट्रायल रहे ना रहे, आपके पास तो आपके सारे कीवर्ड्स आ गए, कोरा का वो लिंक आ गया जहां पर आपको वो आंसर करना है। तो गाइस थाना कमाल का एक और देता हूं छोटा सा जल्दी से उदाहरण ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो था मेरा जो मैं कर चुका हूं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर वेट लॉस टाइप के किसी
एंड्रॉइड के लिए करते हो तो क्या स्कोप है, जल्दी से फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं मैं आपको अपने। तो अब आप सिंपल एक काम करो, यहां पर कीवर्ड की जगह मैं यहां पर लिखूंगा वेट लॉस, और जैसे मैं वेट लॉस लिखूंगा तो यहां पर आप देखो कि वेट लॉस से रिलेटेड मुझे कितने कीवर्ड्स मिल गए, 4900 कीवर्ड्स, 5000 कीवर्ड वेट लॉस पे है जो टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। 3 डे वाटर फास्ट वेट लॉस रिजल्ट्स, इज सी फूड बॉयल गुड फॉर वेट लॉस, गाइस इन पे आंसर लिखना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड आई कैन शो यू ये कौन सा पेज है, लाइक दिस, ये वाला पेज है गाइस, इस पे जाके आंसर दो। देखो 37 लोगों ने आंसर दे भी दिया क्योंकि ये हमसे पहले पता लगा चुके हैं। 33,000 इसमें व्यूज हैं, कैन यू सी दैट, और भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, 16,000 का व्यूज, ठीक है और देख लेते हैं गाइस। ओ माय गॉड इसके तो मजे आ गए होंगे, इसको तो 881 तो खाली लाइक्स हैं इसके गाइस, 500,000 व्यूज, कैन यू सी दैट, 4 साल से इसको अभी तक 500,000 व्यूज आ गए, अगर इसमें कोई एफिलिएट लिंक होता ना तो इसको मजे आ जाते। तो आपको सिंपल यही करना है, देखो मैंने प्रूफ कर दिया आपको सारी चीजें, बस अब आपको खाली इसको करना है। देखो इससे तो मैं आपके लाइफ में और वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, क्या मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, नहीं ना, मैं सिर्फ आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता, और ये मेरा गाइडेंस का तरीका है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना बना के दे। अच्छा 14 डेज का ट्रायल करने के लिए आपको एक वीजा या मास्टर कार्ड की जरूरत है, खाली वहां पर यूज करने के लिए, पैसे नहीं कटेंगे, इट्स अ 0 रुपीज फ्री ट्रायल, 0 रुपीज, ठीक है। AHRF का करोगे तो कम से कम वो शायद 7 या 8 डॉलर लेता है 7 दिन का ट्रायल पीरियड देने के लिए, यहाँ पर 0 होगा। बट हाँ मास्टर या वीजा कार्ड वो आप लगा दोगे किसी से भी लेके तो आप 14 डेज फ्री ट्रायल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बस 14 डेज से पहले अगर आपको उसे कंटिन्यू नहीं करना है तो हटा देना, अदरवाइज पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस टाइप के आंसर लिखे कैसे, मैं पर्सनली इस टाइप के आंसर लिख के कैसे अपने एफिलिएट सेल्स को निकालता हूं, उसके लिए मैं बात करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप, हो सकता है चांसेस आर हाई कि आप उस वीडियो को मिस कर दोगे, और उसके बाद तो आपका एफिलिएट मार्केटिंग का जो सफर है जिसमें आप बहुत चैलेंज ऑलरेडी फेस कर रहे हो वो हो सकता है और दुखद हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा ट्रिक एफिलिएट मार्केटिंग में कोई बताता ही, ये बहुत प्रो और हिडन ट्रिक्स होते हैं हमारे इंडस्ट्री के, बट मैं जहाँ की आप मेरी फैमिली हो मैं जरूर आपको बताना पसंद करता हूँ। क्या आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया और अपना प्यार कमेंट में अभी तक नहीं दिया, ऐसा कर सकते हो आप, इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद लाइक करो, कमेंट में अपना प्यार दो मुझे, और मुझे बताओ कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, मैं अपना प्यार तो दिखा चुका हूं, आपकी बारी। मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।